ये पहला चैप्टर नाइन्थ का फिजिक्स एनसीईआरटी से पहला चैप्टर का अंतिम पार्ट है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है और कुछ है खाली स्थान को भरें। पहला क्वेश्चन देखो, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन मीन्स मेजरमेंट इज प्राइमरली ए प्रोसेस। चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। तो माप जो है विज्ञान में किसी राशि की माप होती है ना। तो मापन यानी मेजरमेंट अर्थात माप मुख्य रूप से कैसी प्रक्रिया है, तो गणना की, कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन का अर्थ होता है जोड़ घटाव गुना भाग करना। मेजरमेंट तो ऐसी बात नहीं है, जोड़ घटाव गुना भाग नहीं ना है, यानी कैलकुलेशन नहीं है, ये नहीं होगा। टू चेंज यानी बदलने की, मापन मुख्य रूप से बदलने वाली एक प्रक्रिया नहीं है। जैसे लेंथ का मात्रक होता है, लेंथ की माप होती है एसआई यूनिट में मीटर। तो एसआई यूनिट में मीटर होती है, तो ये मीटर को क्या बदले, मतलब सेकंड विकल्प भी नहीं होगा। बदलने वाली प्रक्रिया मेजरमेंट नहीं है। तीसरा रहने दो, चौथा देखो, टू क्लियर द डिफरेंस यानी लंबाई का अगर हम लोग यूनिट निकाले एसआई यूनिट, तो लंबाई का होगा मीटर और टाइम का होगा सेकंड, होगा ना। तो उस सबसे कुछ टू क्लियर द डिफरेंस, अंतर स्पष्ट करने की, तो अंतर भी स्पष्ट नहीं होता है। दरअसल तुलना करने की एक प्रक्रिया है। तुलना का अर्थ हो गया जैसे लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होगा लेंथ का, तो अब टाइम से तुलना करो। समय का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो सेकंड होगा। समय का तो मास से तुलना करो, मास का क्या होगा, तो किलोग्राम होगा। तो इसका विकल्प ये सही आंसर होगा सी, बदलने की, तुलना करने की। हाँ, तुलना करने की। सबका अलग अलग होता है। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है, फॉर ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी इट इज नेसेसरी। तो राशि के परिमाण का अर्थ पहले समझ लो, वैसे शुरुआती दौर में बतलाए थे। अगर मान लो ये ए बी किसी टेबल का ऊपरी भाग है, जिस पर विद्यार्थी किताब लिख करके, ये डेस्क है, किताब लिख रख करके, कॉपी रख करके लिखता है, कहेंगे इसका ऊपरी सतह जो है ये, इसका लंबाई क्या है, तो मान लो कहते हैं 5 मीटर। तो मीटर तो लंबाई का मात्रक है ना, 5 क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1 मीटर। कहाँ, किसी राशि के परिमाण। हाँ, मतलब किसी राशि, कोई फिजिकल क्वांटिटी है ना, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, वेलोसिटी है, स्पीड है, फोर्स है, बहुत कुछ है। तो किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए, तो इसका अर्थ समझो ना, परिमाण का अर्थ होता है जैसे मीटर होता है लेंथ का, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो अब बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी तक का लेंथ कितना है, यानी दूरी कितना है। तो ज़रूरी नहीं है मीटर मीन्स मतलब एक ही मीटर होगा। अगर ये मान लो 7 मीटर है ए से बी तक का डिस्टेंस दूरी, तो मीटर क्या हो गया, मीटर हो गया तुमको लेंथ का ऐसा यूनिट। ये 7 क्या हो गया, किसी राशि, हाँ मैग्नीट्यूड बतला है ना ये सब, तो 7 हो गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और ये मात्रक को मिला करके पूरा को कहेंगे परिमाण, यानी किसी राशि का परिमाण। अगर बोर्ड पर मान लो कोई फोर्स काम कर रहा है 2 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन, अगर 20 न्यूटन का बल मार्कर के द्वारा लगाया जा रहा है, तो हाँ, तो कितना बल लग रहा है, फोर्स कहेंगे 20 न्यूटन लग रहा है। तो न्यूटन हो गया बल का ऐसा यूनिट। तो ये संख्या जो शुरू में होता है, तो संख्या को कहेंगे मैग्नीट्यूड, और उसके आगे जो राशि रहेगी मात्रक, राशि का मात्रक, कि दोनों को मिला करके कहेंगे बल का परिमाण, समझा।
तो अब कह रहा है किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए, डिस्क्रिप्शन मीन्स विवरण, विवरण का अर्थ हो गया तूने एक घड़ी खरीदा तो अब घड़ी का विवरण दो। किसी को कहा देखो हमने एक घड़ी खरीदा है तो कितना में लिया, कहाँ से लिया, सब कुछ बतलाओ, डिटेल्स को विवरण कहते हैं। हाँ डिस्क्रिप्शन। तो किसी राशि के परिमाण, प्रमाण तो समझ गया के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है, तो सिर्फ मात्रक नहीं नहीं लिखाएगा, जैसे कितना बल लग रहा है तो कुछ न कुछ न्यूटन कहना होगा, यानी मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मात्रक भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए, तो सिर्फ मात्रक नहीं होगा, संख्यांक यानी मैग्नीट्यूड भी नहीं होगा, मात्रक और संख्यांक, यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। ये यूनिट हो गया न्यूटन और मैग्नीट्यूड 20 हुआ, होगा दोनों, कहेंगे यहाँ समझ गया ना, तो इसका विकल्प क्या होगा, सी, समझ रहा है ना, इसका भी हो गया सी। तीसरा आ जाओ, एस आई मात्रक में कितने आधारी राशि हैं, सात कई बार बतलाए हैं, तो इसका हो गया डी। अगला, इनमें कौन आधारी राशि यानी बेसिक क्वांटिटी नहीं है, तो द्रव्यमान, LMT, ये तीन ठो तो है ही, इसके अलावा और चार ठो जोड़ा गया, बतलाए हैं पीछे वाला पार्ट में, तो चार में याद करो LMT, लेंथ मास एंड टाइम, इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, इसे इलेक्ट्रिसिटी, तब है हीट, ताप या तापमान, 3, 2, 5, इसके बाद ज्योति तीव्रता है ना, जिसका कैंडेला होता है, अंत में है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अब इसमें कहता है इनमें कौन आधारी राशि नहीं है, मास तो है, समय भी है, विद्युत धारा भी है, वेग नहीं है, नहीं है, इसमें होगा बी, तो चार का बी। एक किलोग्राम बराबर है तो भूसकोलबो कह देगा, 1000 ग्राम के बराबर, 1000 ग्राम के बराबर, जो थ्योरी पढ़े हो ना, कैसा भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो तू लोग बना दोगे, इसको उतारो और कुछ खाली स्थान वाला है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त है, तब चालू होगा स्पीड, गति। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरे, उष्मा का SI मात्रक होता है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए उष्मा का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक समान होता है, यानी उष्मा का SI मात्रक क्या होगा, जूल। तो 2 का पहला में हो गया जूल। अब दूसरा आओ, 1 मीटर² बराबर कितना mm का होल स्क्वायर होता है, तो देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है तुमको 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 100 × 10, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, तो 100 × 10 मिलीमीटर होगा ना, कैसे होगा, तब तो 1 मीटर से ज्यादा होगा, 1 मिनट, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और देखो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 10 × 2, 3 सेंटीमीटर बराबर 10 × 3, 100 सेंटीमीटर बराबर 100 × 10 mm होगा मिलीमीटर, तो 1 मीटर, इसमें मीटर स्क्वायर है ठग, 1 मीटर² बराबर कितना mm², तो 1 मीटर² का अर्थ 1 मीटर × 1 मीटर, 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर 10 mm, तो 100 सेंटीमीटर 100 × 10 mm, 100 सेंटीमीटर 100 × 10 mm, समझ रहे है, तो 100 को 10 से गुना करेंगे 1000 mm मिलीमीटर गुने, इसको 100 को 10 से गुना करो 1000 मिलीमीटर, 1000 को 1000 से गुना करो तो 3, 3, 6, 0, 3, 4, 5, 6 mm को mm से गुना करो, mm का होल स्क्वायर 10 लाख हुआ, तो 1 मेगा 10 का पावर 6,
दस को छः बार गुना करेंगे तो छः सुनिएगा ना, पर तो एम एम स्क्वायर, तो बोलो एक मीटर स्क्वायर बराबर कितना एम एम स्क्वायर निकला, 10 लाख, यानी 10 का पावर 6, तो दूसरा का क्या होगा, 10 का पावर 6 एम एम स्क्वायर है ही, समझा। तीसरा खाली स्थान, राशियां वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, आधारी राशि बेसिक क्वांटिटीज स्वतंत्र होती है, इसका तो विशेष जानकारी नहीं देना है, कई बार पढ़ चुका है। तो तीसरा हो गया आधारी राशि या बेसिक क्वांटिटी, यानी यहाँ पर होगा आधारी राशियां वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। वेग वेग एक व्युत्पन्न डेराइव्ड, क्यों, हाँ चाल गुने समय होता है ना, वेग बराबर चाल गुने समय, तो ये हो गया व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव्ड क्वांटिटी। पांच, ज्योति तीव्रता का आधारी एस आई मात्रक कैंडेला बतलाए है ना, एस आई मात्रक ये हो कैंडेला क्या, हाँ एस आई मात्रक ज्योति राशि का आधारी एस आई मात्रक, ये आधारी राशि है ज्योति तीव्रता, आधारी राशि का मात्रक आधारी मात्रक कहलाता है, व्युत्पन्न राशि डेराइव्ड क्वांटिटी का मात्रक डेराइव्ड, हाँ डेराइव्ड यूनिट्स कहलाता है, एक बार रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ 6, देखो 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हुआ, ये है किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये तो घनत्व की बात है, सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ग्राम प्रति घन मीटर, 1 घन मीटर में 1 ग्राम है, यानी इकाई आयतन में 1 घन सेंटीमीटर इकाई आयतन में कितना है पदार्थ, 1 ग्राम, तो जिस पदार्थ का के इकाई आयतन में 1 ग्राम द्रव्यमान है उसका डेंसिटी घनत्व के कितना होगा, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो इसको ये किलोग्राम में बदलेंगे तो ये कितना होगा इसको निकालना होगा, इसमें है तुमको 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 1 ग्राम प्रति घन cm, मतलब प्रति घन बटा का मतलब प्रति, ये हो गया घन सेंटीमीटर, 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1/1000 ग्राम होगा ना, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम होते हैं, इसीलिए 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम होगा, 1/1000 को कितना लिखेंगे, 10 × 10 × 10 × 10^3, 1/10^3 ऊपर में जाएगा तो 10^-3 किलोग्राम होगा, तो ऊपर वाला 1 ग्राम हो गया 10^-3 किलोग्राम। अब नीचे वाला में घन सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदलना है, प्रति यानी 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 cm³ को हम लोग 1 cm × 1 cm × 1 cm लिख सकते हैं, 1 cm को मीटर में बदलेंगे तो 100 cm = 1 m, इसीलिए 1 cm = 1/100 m, तो 1 cm हो गया 1/100 m, ये भी हुआ 1/100 m, ये भी हो गया 1/100 m, 1 1 1 को गुना करेंगे 1 100 को 3 बार गुना करेंगे तो 1/2 2 4 2 6 0 यानी 10^6 m × m × m³ होगा इतना, 1 घन सेंटीमीटर कितना हुआ 1/10^6 m³। इसको हम लोग फिर कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10^-6 m³, या इसको इतना ही रहने दो, तो इसको हम लोग प्रति घन सेंटीमीटर को बदले हैं तो ये हो गया 1/10^6 m³। अब देखो ये हो गया 10^-3/1/10^6,
किलोग्राम बटा यानी किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। इस पर सोचो तो ए बटा बी बटा सी, इसमें ए और सी गुना हो जाता है, तो 10^-3 × 10^6 होगा, तो 10^-3 × 10^6। इसके लिए तो इसको जो फिर तोड़ोगे तो आधार समान है तो बेस जुट जाएगा, -3 + 6 यानी +3, तो 10^+3। तो ये रिजल्ट क्या हो गया, ये रिजल्ट हुआ तुमको 10^3, 10^3 किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, किलोग्राम बटा मीटर क्यूब दिया है, तो आंसर में 10^3 होगा ना। इससे पहले कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, तो 10^3 कैसे होगा उसको समझा। अब सातवां देखो, 1 पास्कल बराबर कितना न्यूटन मीटर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ये इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूटन। अब बटा में देंगे तो एम स्क्वायर, बटा हट गया तो ऊपर में आया तो m^-2। तो ये तो फार्मूला ही है, जैसे दाब के बारे में बतलाए थे, इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाब कहते हैं, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है मात्रक होता है ना, और बल का फोर्स का न्यूटन। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को क्या कहते हैं, प्रेशर, दाब। तो फिर याद करो, पढ़ाए थे अगर ए क्षेत्रफल पर एफ बल लग रहा है तो इसीलिए इकाई पर एक पर तो एफ बटा ए यानी इसी को दाब कहते हैं, तो प्रेशर बराबर एफ बटा ए, एफ का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एन एम का पावर -2, इसी को 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल कहा जाता है, याद करो पिछली बात, यानी 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को, 1 न्यूटन का बल प्रति वर्ग मीटर पर कार्य कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे इस माइनस में नहीं जाएगा। हाँ, ऑब्लिक ये तो हो गया न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, तो बटा को हटाएंगे, मीटर स्क्वायर ऊपर में आएगा तो +2 - 2। अगर ऑब्लिक, हाँ ऑब्लिक दो, इसको ऐसे लिखोगे न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, तब ये ऐसे लिख सकते हो। तो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही ना 1 पास्कल कहा जाता है, तो यहाँ पर 1 होगा 1 न्यूटन मीटर प्रति वर्ग मीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, समझा इसको, बोलो। तो सातवां का होगा 1 यानी 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। लास्ट, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल लगभग में है, तो लगभग में दोगे ना, देखो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, याद रखना है ये लगभग में है, एग्जैक्ट कितना है, तो एग्जैक्ट में 4.186 जूल। इसको समझो, 4 रूप के बाद दशमलव है, 186 200 के नज़दीक है, 2 के नज़दीक है, तो इतना होता है लगभग में, तो इसका क्या होगा, 4.8 है ना, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल लगभग। तो इस तरह तुम लोगों का खाली स्थान वाला भी जो दिया हुआ है बुक में पूरा हो गया, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। इसके बाद जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, इस सब पर हम बहुत तोड़ ताड़ करके बतला दिए हैं, सब क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। सेकंड चैप्टर तुम लोगों का है गति, स्पीड के बारे में, इससे आगे वाला चैप्टर है गति का नियम। तो अब नेक्स्ट क्लास में गति चैप्टर प्रारंभ होगा।